उर्मी की अस्थि मांग के लेकर लड़ेंगे, हम बहुत कुछ लिख सकते थे, मस्जिद में काम करेंगे, मंदिर बना देंगे, धर्म पे लिख सकते थे। ये सफ़र जो शुरू हुआ है, माइक छोड़कर जब हम इस तरफ आए हैं, तो ये सफ़र राजनीतिक परिवर्तन के लिए है। ये यात्रा जो है ये राजनीति में बदलाव, हम एकदम ये नहीं मानते हैं कि हम इसी बार जीत जाएंगे, इसी बार बदलाव लाएंगे, एकदम इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन इस परिवर्तन की नींव तो रख जाएंगे हम। जाति समीकरण, मेरा लड़का लोग वहाँ जाएगा, अपना सोतेगा, उठेगा, बैठेगा, इतने बड़े आवास में अगर हम 5 कमरा बना दें तो उनके बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था तो वहीं हो जाती है। अब बचा सिर्फ कोचिंग, और बचा सिर्फ क्या बोलते हैं उनके ट्रेवलिंग का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, वो कितना आता है? बहुत कम आता है। जैसे जो किसी विधानसभा में प्रत्याशी जीतते हैं तो उनका एक फाइनेंशियल अलॉटमेंट की एक सीमा रेखा होती है, तो मान लेते हैं कि आपने जिन चीजों को लिखा है तो आपने आकलन किया होगा ना कि इतनी चीजों में इतना एक बजट चला जाएगा, आपको लगता है? मैंने सिर्फ ये बात कही जो बच्चों के पढ़ाने वाले, वो 4 लाख का खर्चा आएगा मिनिमम का। मैं बता आपका पूरा मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो अलॉटमेंट मैक्सिमम एक हो सकता है प्रत्याशी के लिए जीते हुए? देखिए, मैंने जो कहा कि जरीडी प्रखंड में, सवाल हम और आसान कर रहे हैं, आपको लगता है कि कितने वादे आपने किए हैं, आपका अपना जो मान लीजिए जीत अगर आप जाते हैं उसका जो फाइनेंशियल अलॉटमेंट मैक्सिमम आपको होगा उतने में सारा काम पूरा कर लेंगे, आपको भी 3 साल में मात्र 5 करोड़ रुपए एक विधायक का हर साल का होता है, एकदम संभव नहीं, लेकिन विजन के साथ अगर हम लड़े तो वो एकदम संभव है। इस इलाके में CSR का इतना फंड है, आप कभी DC ऑफिस गए हैं? अब DC ऑफिस है, अच्छा बोकारो आप गए हैं, नया मोड़ गए हैं, वहाँ एक लिखा हुआ आई लव बोकारो लिखा हुआ है, चमकता है, अभी ख़त्म हो गया, लेकिन जब लगा था तो बहुत चमक रहा था। वो कैसे बना? वो CSR के फंड से बना। ये चुनाव जीतने के बाद में मैनिफेस्टो आप पूरा करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति है? चुनाव जीतेंगे तभी तो पूरा करेंगे, जीतने के लिए तो ये रणनीति है। हम जनता को विजन दे रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। मेरे पिताजी का स्कूल है, मेरे पिताजी का एक विद्यालय है और पिछले 30 साल से है, और आप जाइए मेरे क्षेत्र में, मेरे स्कूल से पढ़े बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। जब हम तो बहुत कम समय अपने विद्यालय में दिए, 1 से 10 क्लास तक दिए, लेकिन क्योंकि उस विद्यालय में उस इलाके में व्यवस्था नहीं थी शिक्षा की, तो मेरे पिताजी ने 30 साल पहले वो शुरू किया, और बहुत मिनिमम फीस आज भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 क्लास का फीस आज भी 300 से 400 के बीच में, और बेहतर शिक्षा है, और आज भी लगभग 700 से 800, 1000 बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसे बच्चों को चयन कैसे कीजिएगा? चयन कैसे कीजिएगा 10 बच्चों का बात है? स्कॉलरशिप फॉर्म है, वो एग्जाम कराएंगे हम लोग, और उसमें बेहतर बच्चों को चुना, ऐसा नहीं कि रांची रख के हम वहाँ अड्डाबाजी कराने के लिए भेजेंगे। नाथ जी, चुनाव की बात हो रही है और जातीय समीकरण की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो कैसे आप बेरमो विधानसभा में जातीय समीकरण का समन्वय बना? हम जब हम कह रहे हैं बार बार, मैंने अपने पुराने हर इंटरव्यूज में ये कहा है कि हम राजनीति के हर उस ट्रेंड को बदलने आए हैं जो राजनीति के राजनीति को खोखला कर रहा है, समाज को खोखला कर रहा है। हम ना जाति समय के, हम यहाँ चाहते तो जाति के नाम पर बहुत कुछ लिख सकते थे, भामाशाह धर्मशाला बनाएंगे, कुशवाहा धर्मशाला बनाएंगे, कुर्मी की अस्थि मांग के लेकर लड़ेंगे, हम बहुत कुछ लिख सकते थे, मस्जिद में काम करेंगे, मंदिर बना देंगे, धर्म पे लिख सकते थे। ये सफ़र जो शुरू हुआ है, माइक छोड़कर जब हम इस तरफ आए हैं, तो ये सफ़र राजनीतिक परिवर्तन के लिए है। ये यात्रा जो है ये राजनीति में बदलाव, हम एकदम ये नहीं मानते हैं कि हम इसी बार जीत जाएंगे, इसी बार बदलाव लाएंगे, एकदम इस बात को नहीं मानते, लेकिन इस परिवर्तन की नींव तो रख जाएंगे हम। जाति समीकरण को भी तोड़ेंगे, हम धार्मिक समीकरण को भी तोड़ेंगे। जिनको लगता, मेरे पिताजी जिस जाति से आते हैं, मेरे विद्यालय में उस जाति के कितने शिक्षक होंगे? ना के बराबर। जो बच्चे आते हैं, क्या वो मेरी ही जाति के पढ़ने आते हैं? मेरे पिताजी ने जिन बच्चों को शिक्षा दी, वो क्या सिर्फ मेरे ही जाति के लोगों को शिक्षा दी, मेरे ही जाति के बच्चों को शिक्षा दी? नहीं, हम एक शिक्षक का बेटा हैं, तो हम इस जाति और धर्म की राजनीति के खिलाफ हैं। हम सिर्फ यहाँ, ठीक है, हम मंदिर जाएंगे, वो अपनी आस्था का मसला है, हम मस्जिद भी जाएंगे, वो मेरी आस्था का मसला है, हम चर्च जाएंगे, लेकिन हम धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करेंगे ये हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप कहते हैं कि जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके हम चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ पारिवारिक विरासत है, एक तरफ वर्चस्व है, एक तरफ एक राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा है, आपको लगता है कि आप इन सब के ऊपर आ जाएंगे और कैसे आएंगे? आप अगर इस बात से डिनाय कर रहे हैं कि जातीय समीकरण फैक्टर नहीं है मेरे लिए, लेकिन उनका ये सारा का सारा क्या बोलते हैं विरासत वर्चस्व सब तो जातीय समीकरण पर ही है, आप कैसे डिनाय कर सकते हैं इस बात से? राजेंद्र बाबू चुनाव नहीं करते हैं, ये शपथ पत्र है, इसका जेरोक्स कॉपी आपको मिल जाएगा, ये ओरिजिनल हमारे पास है,
और ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये शपथ पत्र यह है कि अगर हम बैरमो को 3 साल के अंदर स्वच्छ सुसज्जित किया, जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो सिर्फ बैरमो का ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर FIR कर सकता है, मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट द्वारा जो भी सजा दी जाएगी मुझे, न्यायालय जो भी सजा देगी, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई वकील भी नहीं रखे। हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, ये शपथ पत्र। मैं तीर्थनाथ आकाश, आप इसको देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल भी आपके पास है, कोर्ट का पूरा सब कुछ है। मैं तीर्थनाथ आकाश, पिता कामदेव महतो, उम्र करीब 31 वर्ष, आधार नंबर जो लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, पूरा पता है। उसके बाद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और उपरोक्त पते का निवासी हूँ, यह कि मैं बैरमो विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरवाऊंगा। ये 25 तारीख को ही मैंने कराया था, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यह कि मैं अगर उक्त चुनाव में बैरमो विधायक के रूप में जीतकर विधायक पद पर पदस्थापित होता हूँ तो बैरमो विधायक राहत कोष बनाकर अपने विधायक वेतन का 90% वेतन उक्त कोष में आम जनता के हित के वादे के लिए करूँगा। या कि मैं चुनावी हलफनामे में जितने भी वादे करूँगा सभी वादों को 3 साल के अंदर पूरा करूँगा। या कि मैं अपने ऐलाननामे को पूरा नहीं करता हूँ तो पूरे झारखंड के किसी भी नागरिक जनता के द्वारा वादा ना पूरा करने हेतु कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है मेरे ऊपर। या कि यह शपथ पत्र आम जनता के सामने प्रस्तुत करने हेतु बना रहा हूँ। या कि उक्त सजा के विरुद्ध में किसी पर अगर 3 साल अगर न्यायालय को सजा देती है तो उक्त सजा के विरुद्ध में किसी भी ऊपरी न्यायालय या अपर न्यायालय में अपील नहीं करूंगा, ना ही किसी वकील के माध्यम से अपने वाद केस की सुनवाई अपन न्यायालय में करवाऊंगा। ये एक मेरा शपथ पत्र जो आम जनता के बीच होगा। उपरोक्त लिखित सभी बातें मेरी जानकारी विश्वास में सही एवं सत्य हैं, इस पर आज दिनांक 25/10/2024 को अपना हस्ताक्षर करता हूँ। ये मैंने 25 अक्टूबर को ही कराया था, मेरा नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को हुआ था, मैंने पहले ही कराया था। तो ये आम जनता जो बार बार कहती है कि लोग वादा करके धोखा दे जाते हैं, तो ये मेरा शपथ पत्र है जो आम जनता के बीच जाएगा। और कोई भी, सिर्फ बैरमो ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर केस कर सकता है, FIR कर सकता है थाने में, न्यायालय में। तो ये सब कुछ इसीलिए हम आप तमाम साथियों को बुलाए थे। आप तमाम लोगों से ये अनुरोध होगा कि आपका साथ मिले बेहतर स्वच्छ संकल्पित बैरमो बनाने के लिए और बैरमो को इस राज्य का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए। और हम सिर्फ 3 साल जनता से मांग रहे हैं, आप तमाम साथियों से सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं। बैरमो को धूल मुक्त करना है, बैरमो में शिक्षा को बेहतर करना है, शिक्षा का हब बनाना है बैरमो को, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि बैरमो में अगले 5 साल के अंदर कम से कम 100 से 200 BDO CO तैयार करने हैं, ताकि जब भी इतिहास लिखा जाए 5 साल के बाद तो ये बात आए कि सबसे ज़्यादा BDO CO अगर किसी विधानसभा में है तो वो बैरमो विधानसभा के अंदर है, सबसे ज़्यादा थाना प्रभारी कहीं है तो बैरमो विधानसभा के अंदर है। मेरा समाप्त हुआ, और आपका कोई सवाल है? सवाल है, आप BDO CO का बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड राज्य में एग्जाम ही नहीं होती, एग्जाम भी होते तो फेयर नहीं होती, अगर एग्जाम होता है तो उसमें धांधली होता है। देखिए अभी सीट का मामला है, सब आरोप लगा रहे हैं 25 से 30 लाख का धांधली हुआ है, JPSC का मामला अटका हुआ है, उसमें आरोप है कि 70 से 80 लाख का मांग रहा है, कैसे संभव हो सकता है? देखिए हम तैयार तो उनको पढ़ने लिखने के लिए करेंगे, अगर फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम भी हो जाता है, मान लीजिए नई सरकार आई और बेहतर एग्ज़ाम ले रही है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हम ये वादा तो नहीं कर सकते कि हम फ्री और फेयर एग्ज़ाम दिला दें। हम उसके लिए लड़ेंगे ज़रूर, अगर हमको पता चला कि किसी परीक्षा में घोटाला हो रहा है तो उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन इस एग्ज़ाम दिलाने इसका वादा हम तो नहीं कर सकते। मेरा ये है कि हम बेस तैयार करेंगे, हम लोगों को पढ़ाएंगे। मान लीजिए फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम भी हो गया, लोग पढ़े ही नहीं हैं तो कैसे बैठेंगे एग्ज़ाम, तो उनके पढ़ाने सिर्फ BDO CO के, BDO CO एक संकल्प है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, अगर हम तैयार करके रखेंगे तो केंद्र सरकार की वैकेंसी